नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको गार्डनिंग के एक ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपने अपने गार्डन में क्रिसेंथमम यानी गुलदाउदी के प्लांट लगाए हुए हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। दोस्तों, क्रिसेंथमम की अलग अलग वैरायटी में फूल करीब करीब पूरे साल खिलते रहते हैं, लेकिन क्रिसेंथमम की ज़्यादातर वैरायटी में फूल अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक ही खिलते हैं। अगर आपने सर्दियों के सीजन का क्रिसेंथमम लगाया हुआ था तो इसकी कुछ वैरायटी में फूल खिल चुके होंगे और कुछ वैरायटी में फूल फरवरी तक ब्लूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्रिसेंथमम के कुछ प्लांट अक्टूबर में लगाए थे। इनमें नवंबर के आखिर और पूरे दिसंबर में फूल खिले। अब इनमें फ्लारिंग करीब करीब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ प्लांट मैंने नवंबर के महीने में लगाए थे तो इसमें अभी भी जो है फ्लारिंग हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसेंथमम के जिन प्लांट्स में फूल खिलना बंद हो गया है, जिसमें फूल मुरझा गए हैं, उनका क्या किया जाए। ज़्यादातर लोग क्रिसेंथमम की फ्लारिंग ख़त्म होने के बाद प्लांट को गमले से उखाड़कर कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार फूल देने के बाद भी क्रिसेंथमम का ये प्लांट बहुत काम आता है। दोस्तों, ये मेरा क्रिसेंथमम का प्लांट है। मैंने इस सीजन में इससे खूब अच्छे फ्लारिंग ली। इसमें ढेर सारे प्यारे प्यारे फूल खिले थे। मैंने आपको इसका एक वीडियो भी शेयर किया था, लेकिन अब इसमें फूल सूख चुके हैं। ज़्यादातर लोग फूल सूखने के बाद पौधे को काट करके फेंक देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इस प्लांट को हमें सुरक्षित रखना है, जिससे ये अगले साल फिर से हमें ढेर सारे फूल देगा। अगर आप इसे अच्छी तरह से सुरक्षित रख पाएंगे तो अगले सीजन में एक प्लांट से आप क्रिसेंथमम के कई ढेर सारे नए प्लांट बना पाएंगे। तो ये कैसे करना है, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप एक सीजन में क्रिसेंथमम के फूल लेने के बाद अगले सीजन में इस मदर प्लांट से कई ढेर सारे प्लांट बना पाएंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपके मन में कोई सवाल ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बेल आइकन दबाइएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मदर प्लांट अगले सीजन में भी काम आए, इसके लिए क्या करना है, हम प्लांट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें एक कैंची चाहिए होगी। तो जिस प्लांट के फूल सूख गए हैं और जिनमें अब कोई नया फूल इस सीजन में नहीं आ रहा है, तो उस प्लांट की कटिंग करनी है। तो हम प्लांट की स्टेम को नीचे से 4-5 इंच छोड़ करके कट करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से कट करना है। आप इसे इस तरह यहाँ से कट कर लीजिएगा। दोस्तों, कटिंग की इस प्रोसेस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट में ज़्यादा दिनों तक फूल सूखे रह गए तो उसमें कई तरह के कीड़े, बीमारियां और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जितनी जल्दी सूखे फूल, सूखी पत्तियों और टहनियों को हटा देंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर एक बार कीड़ों का, फंगल इन्फेक्शन का अटैक हो गया तो आसपास के दूसरे प्लांट में भी कीड़े और बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको जो है 3-4 इंच नीचे से छोड़ करके इस तरह से कैंची की मदद से क्रिसेंथमम के जो पुराने प्लांट हैं उसकी स्टेम को हटा लेना है। जो ख़राब हो गई हैं स्टेम, उन्हें भी हटा लीजिएगा। तो इस तरह से एक एक करके आप स्टेम्स को कैंची की मदद से कट कर लीजिए।
गमले में जो पुराना क्रिसेंथमम का आपका प्लांट है उसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, पुरानी पत्तियों को हटा लीजिए, जिससे अगर उसमें कोई कीड़े या बीमारियों का कोई अटैक है तो वो नए प्लांट्स में ना लगे। इस तरह से कट करना है। नीचे से आप 3-4 इंच छोड़ करके आप जो है पुरानी प्लांट की जो टहनियां हैं उन्हें कट कर लेंगे। तो एक एक करके इन्हें अच्छे से सावधानी के साथ कट कर लीजिए। अगर आपके प्लांट में कीड़ों का अटैक हो गया है, पत्तियों पर कीड़े हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप उसे सावधानी से काटिएगा। बहुत ज़्यादा स्टेम्स को हिलाइएगा नहीं तो जो पत्तियों में कीड़े हैं उनके एग्स हैं वो मिट्टी में गिर जाएंगे और या फिर दूसरे प्लांट में स्प्रेड हो सकते हैं। तो बहुत सावधानी से इसे कट करके अलग निकाल लें और कटे हुए हिस्से को सावधानी के साथ डिस्पोज कीजिएगा। तुरंत किसी पॉलीथीन में डाल करके इसे डिस्पोज कर देना है। दोस्तों, इस तरह से जो हमारी क्रिसेंथमम की जो स्टेम खराब स्टेम्स निकली हैं उन्हें डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये खुले में रहे तो इसमें जो भी कीड़े हैं या फिर एग्स हैं वो हमारे सही प्लांट को भी खराब कर सकते हैं, उसमें भी कीड़ों का अटैक हो सकता है। तो इस तरह से उसे आप जो है पॉलीथीन में डाल के डिस्पोज कर दीजिए। दोस्तों, कटिंग की प्रोसेस होने के बाद हमारा जो मदर प्लांट है कंटेनर में उसे हम साफ करेंगे। जितने भी कंटेनर में प्लांट में इन्फेक्टेड पत्ते हैं उन्हें हटा देंगे, सूखे पत्ते भी हटा देंगे, जिससे प्लांट पर कम से कम बीमारियों या फिर कीड़ों का हमला हो। इसका मकसद ये है कि जो हमारा मदर प्लांट है उसमें कम से कम इन्फेक्टेड पत्तियाँ बची रहें। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है, गमले में प्लांट का जो भी हिस्सा बचा हुआ है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है, कीड़े हैं या कीड़ों के एग हैं तो हम उन्हें ट्रीट करेंगे। तो ये कैसे किया जाता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक्स्ट्रा स्टेम काटने के बाद मदर प्लांट के बचे हुए हिस्से को ट्रीट करने के लिए हमें 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाना है। इसे अच्छी तरह हिला करके आप मदर प्लांट के बचे हुए हिस्से पर स्प्रे कर दीजिए। पत्तियों को अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। कुछ नीम ऑयल जो है कंटेनर में गमले की मिट्टी में भी डाल दीजिए, जिससे अगर वहाँ पर कुछ कीड़े गिरे होंगे या फिर एक्स गिरे होंगे तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब आगे क्या करना है इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, अभी तो सर्दियों का सीजन चल रहा है, इसलिए फरवरी मार्च तक हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी तो फिर इसके नए पत्ते ख़राब हो सकते हैं तेज गर्मी में, इसलिए हमें इसे छायादार जगह पर रखना होगा। दोस्तों, क्रिसेंथमम के इन मदर प्लांट्स को गर्मियों के सीजन में खास देखभाल करने की ज़रूरत होगी। गर्मियों के पूरे सीजन में क्रिसेंथमम के इन मदर प्लांट्स का हमें खास ख्याल रखना होगा। हमें इन्हें ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, बहुत तेज़ गर्मी ना हो, वरना इसके नए नए पत्ते जल जाएंगे। तो इन गमलों को आप छायादार जगह पर रखिएगा। आप ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर बड़े प्लांट हों उनकी छाया के नीचे रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह का सिलेक्शन करें जहाँ धूप डायरेक्ट ना आती हो। दोस्तों, गर्मियों के 3-4 महीने हमें क्रिसेंथमम के मदर प्लांट का खास ख्याल रखना होगा। जिस कंटेनर या गमले में ये मदर प्लांट लगा हुआ है उसकी मिट्टी को भी चेक करती रहेगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, तो बीच बीच में पानी डालना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो जाए, नहीं तो जड़ें सड़ सकती हैं और इससे क्या होगा, हमारा मदर प्लांट खराब हो जाएगा।
दोस्तों, जब बारिश का सीजन आए तो उस वक्त भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके कंटेनर में या जहाँ पर आपने इन प्लांट्स को लगाया हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा नहीं होना चाहिए। गमले में पानी रुकेगा, पानी की निकासी अच्छी तरह से नहीं होगी तो आपका मदर प्लांट खराब हो सकता है, उसकी जड़ें खराब हो जाएंगी। तो दोस्तों, हमें मदर प्लांट को 15 जून तक अच्छी तरह से बचा के रखना है। 15 जून के बाद हम इस मदर प्लांट को रीपॉट करेंगे। दोस्तों, एक मदर प्लांट से एक गमले के अंदर कई ढेर सारे नए नए क्रिसेंथमम के प्लांट निकल आएंगे। 15 जून के बाद आप इन्हें नए गमलों में लगा सकते हैं। 15 जून के बाद आप इन्हें नई मिट्टी के साथ नए गमले में रीपॉट करेंगे तो सर्दियों के सीजन में ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो फरवरी के महीने में क्रिसेंथमम के मदर प्लांट को किसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी इसी तरह क्रिसेंथमम यानी गुलदाउदी के अपने पुराने प्लांट को अगले सीजन के लिए तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन और टिप्स बताए हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको अगली सर्दियों में गुलदाउदी के नए प्लांट नहीं लेने पड़ेंगे। एक बार आप इन टिप्स को फॉलो करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप और किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट लिख करके ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।